सबसे पहले तो ये जो आज की वीडियो है ये इस साल की फर्स्ट वीडियो है और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। एक्चुअली मेरा मन ही नहीं हो रहा था और मुझे कोई टॉपिक भी नहीं मिल पा रहा था। तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 जा चुका है और बहुत सारे लोगों के लिए 2020 बहुत बुरा रहा, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो इस 2020 ने हमें दी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे गैजेट्स हैं जो घर घर पे पहुंच चुके हैं या लोगों ने उसके बारे में जानना शुरू किया और उसको डेली यूज़ करना शुरू किया, उन्हीं गैजेट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी या कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमने हम में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुने, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वीडियो में डिटेल से आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जो 2020 में यानी कि कोरोना के आने के बाद बहुत सारे लोगों को पहली बार सुनाई दिए। उनमें से जो सबसे पहला शब्द था वो था पैंडेमिक। अब बहुत सारे लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी उनको तो पैंडेमिक पता होगा, लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक होगी उनको बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि पैंडेमिक क्या होता है। पैंडेमिक एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन होती है किसी बीमारी की रिगार्डिंग, जब कोई बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो तेज़ी से फैलने लगे या वायरल होने लगे, तो उसे WHO द्वारा या बड़े बड़े जो वैश्विक संस्थान हैं उनके द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कर दिया जाता है और उसी वैश्विक महामारी को इंग्लिश में कहा जाता है पैंडेमिक या महामारी। उसके अलावा जो दूसरा वर्ड हमने सुना वो था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्चुअल में होता क्या है, जब आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो ऑनलाइन कहीं स्टोर होता है और वहाँ से आपको पता चलता है कि किसी आप इन्फेक्टेड इंसान के संपर्क में आए हैं या नहीं आए हैं, आप किस टाइम कहाँ गए। मान लीजिए कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान से मिल जाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो एप्लीकेशंस होती है उनके ज़रिए पता चल जाता है कि आप उस इंसान के नज़दीक गए थे तो आप पे भी वायरल या संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। तो इंडिया में आरोग्य सेतु नाम की ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और चाइना में भी जो फिटनेस बैंड होते हैं और इसी तरह की एप्लीकेशन के थ्रू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, यानी कि आप कब कहाँ गए थे ये सारी डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है या एप्लीकेशन के थ्रू जो भी संस्था होती है उसको देखने वाली, उस पैंडेमिक सिचुएशन को देखने वाली, तो उसके पास वो डेटा रहता है। उसके अलावा हमने जो और वर्ड सुने जैसे क्वारंटीन और आइसोलेशन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये क्वारंटीन और आइसोलेशन जैसे वर्ड पहली बार ही यूज़ हुए हों। क्वारंटीन और आइसोलेशन जो वर्ड हैं वो एक्चुअल में पहले से ही जो स्पेस यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है और उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब भी कोई स्पेस, मैंने ऐसा सुना है कि जब भी कोई स्पेस यात्री स्पेस से आता है तो उसको 14 दिन आइसोलेशन में रखा जाता है या क्वारंटीन रखा जाता है सबसे अलग। अब वो क्यों रखा जाता है, उनको इस बात का खतरा रहता है कि कहीं ये स्पेस से कोई ऐसा बैक्टीरिया पृथ्वी पे ना ला जाए जो कि पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए या फिर जो भी प्राणी अर्थ पे रह रहे हैं उनके लिए खतरनाक साबित हो जाए। तो इसलिए उसको 14 दिन आइसोलेशन पीरियड में रखा जाता है, क्वारंटीन रखा जाता है। और उसके बाद जब कोरोना महामारी आई तो ये जो वर्ड थे ये सब लोगों के पास पहुंच गए और सभी को इसकी मीनिंग पता चल गई। उसके बाद जो अगला वर्ड हमने सुना वो था एंटीजन। आपने सुना होगा कि एक कोरोना का एंटीजन टेस्ट भी होता है, तो एक्चुअल में एंटीजन होता क्या है, एंटीजन एक बाहरी पदार्थ होता है जो शरीर में घुस के शरीर को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए प्रेरित करता है या एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए मजबूर करता है, जिस एंटीबॉडीज़ की मदद से या जिन एंटीबॉडीज़ की मदद से हमारा जो शरीर है वो उस रोग से लड़ने की क्षमता रखता है या क्षमता पैदा करता है। अगर हमारी बॉडी में किसी बीमारी का कोई एंटीजन पाया जाता है तो उसका मतलब है कि हमारी बॉडी बीमारी से लड़ रही है और एंटीजन मिलने का मतलब होता है बीमारी का संकेत। एक शब्द आपने बहुत ज़्यादा और सुना होगा जिसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी या फिर सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता। तो ये एक्चुअल में होती क्या है, मान लीजिए किसी वर्ग विशेष को या स्थान विशेष के लोगों को वहाँ पे किसी बीमारी से पूरी तरह से संक्रमित होने दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है जब वहाँ के लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम उसकी एंटीबॉडीज़ यानी उस बीमारी की एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है तो उन एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है बाकी लोगों के लिए उस बीमारी से लड़ने की दवाई बनाने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि जो
वैक्सीन या किसी तरह की कोई दवाई बनाने के लिए उन एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। अब कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको हम यूज़ तो करते थे कोरोना से पहले, लेकिन अब जाके उनका यूज़ घर घर में होने लगा है, जिनमें सबसे पहला है ऑक्सीमीटर। अब यहाँ पे कोरोना आने के बाद घर घर तक ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल जो है वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा है, और इसका एक्चुअल में कारण क्या है, क्योंकि जो कोरोना का एक बेसिक सिम्टम है वो है शरीर में ऑक्सीजन की कमी। जब कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसको नापा जा सकता है ऑक्सीमीटर की मदद से। अब यहाँ पे इस चीज़ को लेकर लोगों के अंदर अवेयरनेस आई और उन्होंने सबने ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन ऑक्सीमीटर खरीदना शुरू किए और घर घर में ऑक्सीमीटर यूज़ होने लगा। और इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला स्मार्ट वॉच कंपनीज़ को, जिन्होंने अपनी स्मार्ट वॉच में इस तरह के सेंसर लगाए जो कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल नाप सकती है, जैसे कि एप्पल वॉच की 6 सीरीज़ में भी आपको ये फीचर देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ जिसके सेल्स फिगर में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा गया या बहुत ज़्यादा जो बिकने लगे वो थे थर्मामीटर वाले फ़ोन्स, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जैसे आईटेल और लावा, जिन्होंने 2 से 3 हज़ार रुपये की रेंज में ऐसे फीचर फ़ोन बनाए जिन पे थर्मामीटर सेंसर लगा हुआ था। आप सिंपली उसके बैक पैनल पे टच करके अपने शरीर का टेम्परेचर नाप सकते हैं। उसके बाद जो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ कर रहे हैं वो है इंफ्रारेड थर्मामीटर, और आपको बहुत सारे कमर्शियल जगहों पे भी ये देखने को मिलेगा, जैसे बैंक में, किसी शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और लोग घर पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इंफ्रारेड थर्मामीटर ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। अब एक्चुअल में इसका एक फ़ायदा ये था कि इससे आदमी दूर से ही, कुछ दूरी से ही सामने वाले बंदे का शरीर का टेम्परेचर बता सकता है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जिससे जो कोरोना फैलने का रेट है वो काफ़ी कम हो सकता है। और अब ऐसे भी मार्केट में आपको इंफ्रारेड थर्मामीटर देखने को मिलेंगे जिसमें इनबिल्ड मेमोरी है, यानी कि आप 20 से 30 लोगों का जो टेम्परेचर है उसको स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी पर्सन के अलग अलग टाइम का टेम्परेचर स्टोर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो अपने ही शरीर का टेम्परेचर नाप सकते हैं कि आपका सुबह 7 बजे कितना था, 10 बजे कितना था, 12 बजे कितना था, इस तरह से 30 अलग अलग टाइमिंग पे लिया हुआ टेम्परेचर आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ गैजेट्स और कुछ शब्द थे जो कोरोना की वजह से घर घर तक पहुंचे, और आप लोगों ने भी इनके बारे में काफ़ी सुना और इन गैजेट्स को शायद आप यूज़ भी कर रहे होंगे। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक और बात, अगर आपको इनमें से कोई गैजेट ख़रीदना हो जैसे थर्मामीटर वगैरह, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, एफिलिएट लिंक है, लेकिन आपको डायरेक्ट जाके भी वो उतने का ही मिलना है, और मेरे लिंक से ख़रीदोगे तो भी उतने का ही मिलना है। तो आप जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।